स्टफ की और साथ ही में GTA 5 की एक और नई वीडियो में। वैसे यार GTA 5 में गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, देख के तो आए यार अपना फ्रैंकलिन कर क्या रहा है। अरे फ्रैंकलिन भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं यार, नहा रहा था भाई, काफी टाइम हो गया, 6-7 दिन हो गए यार नहाए नहीं। तो ऐसे कौन नहाता है भाई यार, काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, थोड़ा सा ड्राई क्लीन करके अंदर चला जाता हूँ और क्या। और तेरे को तो क्या ही पता होगा सर्दी के बारे में यार, तू तो नहाया ही नहीं आज तक। तो गाइस आज वाली वीडियो में हम देखने वाले माइनक्राफ्ट या फिर GTA 5 में से कौन सी बढ़िया गेम है। बट उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए, दोनों गेम अपनी जगह पे एकदम ही तगड़े हैं, वैसे दोनों ही मेरे फेवरेट गेम है। तो इस चीज को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वैसे फ्रैंकलिन मैं तेरे को एक बात तो बताना ही भूल गया, ये जो तू सारी करतूतें कर रहा है ना ये सारे लोग देख रहे हैं। अरे भाई पहले क्यों नहीं बताया यार तूने? गाइस मैं तो बस नाटक कर रहा था, मैं तो रोज नहाता हूँ भाई रोज, और कभी बार तो दिन में 3-4 बार नहा लेता हूँ। मेरे को सिर्फ यार 1 मिनट दो, मैं एकदम तगड़ा वाला सच धज के आता हूँ। A few moments later. ओहो फ्रैंकलिन भाई तुम तो बिल्कुल ही हीरो बन गए, और जैकेट देखो तुम्हारी कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ भाई हीरो तो मैं ही हूँ। और बात रही जैकेट की, भाई मैंने $200 की खरीदी है, और मेरे पास भाई कपड़ों की कमी नहीं, एकदम स्टाइलिश बनता हूँ। स्टीव की तरह थोड़ी ना हूँ भाई, हमेशा एक ही ब्लू शर्ट में घूमता रहता है वो तो, और माइनक्राफ्ट में कपड़े होते भी तो नहीं है। अरे गाइस ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि माइनक्राफ्ट में कपड़े ही नहीं होते, बल्कि स्टीव के पास तो भाई अनलिमिटेड कपड़े हैं। और भाई वो कैसे? क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट के अंदर स्किन भी तो होती है एकदम तगड़ी तगड़ी वाली, कौन सी भी स्टीव कभी भी पहन सकता है, एकदम अलग अलग स्टाइल की और एकदम अलग अलग कलर की यार, काफी सारी स्किन्स होती है स्टीव यार, उनको कभी भी पहन सकता है और एकदम भाई मस्त दिखता है उसके अंदर स्टीव, हालांकि थोड़ा सा डब्बा जैसा दिखता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, स्टीव यार स्टाइलिश नहीं है, वो तो भाई एकदम अलग ही स्वैग का बंदा है। हाँ तो भाई सिर्फ कपड़ों से ही क्या होता है मेरा, तुमने घर देखा कितना ज्यादा तगड़ा और बढ़िया है। यार फ्रैंकलिन का जो घर है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया है, बल्कि यार लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा ऊंचा और सबसे ज्यादा महंगा घर अपना फ्रैंकलिन का है। और क्या भाई मेरे घर में देखो भाई एकदम तगड़ी वाली किचन है, हालांकि मैं यहाँ पे कुछ बनाता नहीं हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के आराम से मस्त टीवी देख सकता हूँ, और ये देखो भाई यहाँ पे एकदम चिल विल मार सकता हूँ, भाई मेरा घर एक नंबर है। यहाँ पे भाई मेरे घर में स्विमिंग पूल भी है, और ये देखो भाई मेरा एकदम शानदार वाला बेडरूम है, और मेरे बेडरूम में देखो भाई इतना बड़ा शीशा भी लगा हुआ है, और ये देखो मेरा वार्डरोब जहाँ पे यार दुनिया भर के ब्रांड भाई एकदम ब्रांडेड चीजें पहनता हमेशा। अरे फ्रैंकलिन लेकिन तेरा एक और भी तो घर है, वो तो यार तू दिखाने भूल गया। अरे छोड़ना वो घर नहीं दिखाना मेरे को, ये देखो भाई फ्रैंकलिन के पास एक दूसरा घर भी है, मतलब ये वाला पहला घर है, इसके बारे में भी बता दे यार थोड़ा बहुत। ये भी मेरा घर है मेरे को पता है, लेकिन ये यार अभी मैं इसमें रहता नहीं हूँ, लेकिन यार है तो मेरा ही घर। ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया है, इसका बेडरूम दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसके बारे में मैं कुछ ना बोलूं तो ही ज्यादा सही रहेगा। खैर तेरे पास यार घर तो है, और जो नया वाला घर है वो तो एकदम ही यार ओपी है। हाँ भाई और क्या, मेरे पास एकदम तगड़ा वाला घर है, स्टीव की तरह थोड़ी ना हमेशा जंगलों में घूमते रहता हूँ। स्टीव के पास घर नहीं है ये किसने बोला भाई तेरे को फ्रैंकलिन? स्टीव का तो भाई पूरा वर्ल्ड ही है, उसमें भाई वो कितने भी टाइप के घर बना सकता है, बिल्कुल छोटे से लेके बड़ा, जैसी उसकी भाई क्रिएटिविटी है उसी हिसाब से भाई एकदम तगड़ा वाला घर बना सकता है। और फ्रैंकलिन जैसा घर बनाने में तो इसको 1-2 घंटा लगेगा, यहाँ तक भाई माइनक्राफ्ट में स्टीव मुकेश अंबानी यार छोटे मोटे घरों की बात ना ही करे तो बढ़िया रहेगा। और अपना स्टीव माइनक्राफ्ट में ऐसी भी चीजें कर सकता है जो GTA 5 में करना लगभग इम्पॉसिबल है, जैसे कि माइनिंग। हालांकि माइनिंग करने में थोड़ा सा बोर फील होता है, लेकिन भाई जब 1 घंटे के माइनिंग के बाद हमें एक डायमंड मिलते ना भाई साहब अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। वैसे GTA 5 में माइन वगैरह तो है लेकिन उसमें कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज आती है वहाँ पे। एंड माइनिंग के अलावा भाई फार्मिंग भी तो कर सकते हैं ना हम माइनक्राफ्ट में, जैसे भाई हमें पोटैटो कैरेट कुछ भी उगाना है हम इजीली भाई उगा सकते हैं, एकदम यार तगड़े लेवल की फार्मिंग भी कर सकते हैं। लेकिन GTA 5 में ऐसा कोई फीचर नहीं है, वैसे हम फार्मिंग तो कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी गलत ही फार्मिंग हो जाती है, इलीगल वाली जिसे कहते हैं हम। जी हाँ उसमें वीड वगैरह की फार्मिंग चलती रहती है। एंड माइनक्राफ्ट में हम किसी भी एनिमल को टेम कर सकते हैं, उसको पेट बना सकते हैं, एंडर ड्रैगन वगैरह को नहीं कह रहा, ज़ॉम्बीज वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भाई अच्छे अच्छे पेट्स की, जैसे कि भाई अपना डॉगी शेरू है। वैसे फ्रैंकलिन के पास भी तो डॉगी है चॉप नाम का, वो भी एकदम यार तगड़ा है। फ्रैंकलिन की यार काफी ज्यादा बातें मानता है, और गंदगी भी भाई एकदम हद वाली फैला देता है। बट माइनक्राफ्ट में आप एक डॉगी से लेके काव या फिर एक हॉर्स भी इजिली टेम कर सकते हो, और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, ये कैसे भूल गया मैं। लेकिन GTA 5 में आप कहाँ हॉर्स राइडिंग करोगे भाई शहर में? और हाँ यार GTA 5 में हॉर्स ही कहाँ होते हैं, काव राइडिंग आप जरूर ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक और बात है कि यार फ्रैंकलिन को एक हॉर्स क्यों चाहिए जब भाई उसके पास एकदम अलग अलग लेवल की एकदम तगड़ी तगड़ी महंगी महंगी लैम्बोर्गिनी डुगाटी वगैरह एकदम यार गैराज में उसके खड़ी रहती है, तो भाई उसको हॉर्स क्यों ही चाहिए होगा। स्पोर्ट्स गाड़ी लग्जरी गाड़ी एकदम यार उसके पास भरी पड़ी रहती है, उसके पास भाई पैसा तो भाई इतना सारा है। लॉस सैंटोस की जो भाई एकदम तगड़ी वाली गाड़ी वो भी यार आराम से चला सकता है फ्रैंकलिन, और दिखने में तो भाई इसकी गाड़ियां एकदम अलग ही लेवल की होती है। हालांकि भाई अपना फ्रैंकलिन कुछ गाड़ियां चुराता भी है, लेकिन भाई गाड़ियां और बाइक की कलेक्शन फ्रैंकलिन की बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड ये तो आपको
यार ऑब्वियसली पता होगा कि यार माइनक्राफ्ट में आपके पास एक भी गाड़ी नहीं होती, ना कार होती है, ना बाइक होती है, साइकिल भी नहीं होती भाई। और कुछ मॉड्स होते हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई ऑफिशियल गेम में ऐसा सच कुछ भी नहीं है। वैसे कमेंट्स में आप मेरे को जरूर बताना कि आप माइनक्राफ्ट में गाड़ी चलाना चाहोगे। एंड गाइस, अगर हम बात करें माइनक्राफ्ट और GTA 5 की एकदम बेसिक चीजों के बारे में, तो भाई अपना स्टीव कुछ ऐसा चलता है, देख लो भाई, बिल्कुल डब्बों की तरह। लेकिन अपना GTA 5 वाला फ्रैंकलिन एकदम मॉडल की तरह चलता है। एंड माइनक्राफ्ट में यार कितने सारे बायोम्स होते हैं। वैसे बायोम्स GTA 5 में नहीं होते, वैसे स्नो वगैरह कहीं होता है, कहीं पे थोड़ा माउंटेन वगैरह आ जाता है, लेकिन यार माइनक्राफ्ट में काफी सारे बायोम्स होते हैं, क्योंकि भाई इसका मैप देखा कितना ज्यादा बड़ा है। और बात करें अगर मैप की, तो भाई यार GTA 5 का मैप है बड़ा यार, मेरे को पता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट का मैप तो लगभग इन्फिनिटी है। एंड एनिमल्स की बात करें तो माइनक्राफ्ट में काफी सारे एनिमल है भाई, अलग अलग वेरायटी के। वैसे GTA 5 में अपने एनिमल से इतनी मुलाकात तो होती नहीं, लेकिन भाई एकदम तगड़े दिखते हैं यार इसमें भी एनिमल्स। एंड जैसे हम माइनक्राफ्ट में TNT से धमाके कर सकते हैं, कुछ वैसे ही GTA 5 में C4 या फिर स्टिकी बॉम्ब से कर सकते हैं, जिससे कि यार जमीन तो नहीं टूटती, लेकिन आसपास के बंदे या फिर कोई गाड़ी खड़ी वो तो यार फूट ही जाती है। GTA 5 में हम यार प्लेन से उड़ सकते हैं, जेट पैक से उड़ सकते हैं, नीचे पैराशूट से जा सकते हैं, लेकिन माइनक्राफ्ट में उड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, अगर हम सर्वाइवल में हो तो। क्रिएटिव में तो भाई उड़ ही सकते हैं, मेरे को पता है, लेकिन सर्वाइवल में तो सिर्फ यार एक ही चीज से उड़ सकते हैं, वो है इलाइट्रा, जो कि यार काफी ज्यादा मुश्किल से मिलती है। एंड बात करें अगर हम मौसम की, तो यार माइनक्राफ्ट में सिर्फ तीन ही टाइप के मौसम होते हैं, एक तो बिल्कुल क्लियर, एक रेन, और एक रेन के साथ थंडर। GTA 5 में होते तो काफी सारे मौसम है, लेकिन यार सारे लगभग एक जैसे ही लगते हैं, मतलब मेन तीन ही होते हैं एकदम यार, सनी वाला, एक जो क्लियर वाला होता है, थोड़ा रेन वाला होता है, और एक अपना थंडरस्टॉर्म तो होता ही है, और कभी कभार काफी ज्यादा फॉगी वाला भी यार मौसम हो जाता है। और अपने भाई यार फ्रैंकलिन के पास यार फोन भी है, जिसमें आप एकदम मस्त वाली यार फोटो भी खींच सकते हो, एंड किसी को भी फोन मिला सकते हो, और हाँ यार टैक्सी भी बुला सकते हो, ये एकदम तगड़ा वाला फीचर है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार, अपना बंदा आया नहीं, ये देखो भाई कितना जल्दी आ गया। अब हमें कहीं पे भी लॉस सैंटोस में जाना है, हम फटाफट से जा सकते हैं। एंड जो गाइस अगली चीज है जिसपे हम बात करने वाले हैं, वो है ग्राफिक्स। वैसे तो हमें गेम को कभी भी ग्राफिक्स से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई GTA 5 और माइनक्राफ्ट की ग्राफिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। GTA 5 की भाई तुम एक बार ग्राफिक्स देखो, क्या ही ग्राफिक्स है यार, कौन कहेगा भाई ये गेम। वैसे कितना साल पुराना है ये, 2013, 7 और 1 8 साल पुराना गेम भाई साहब, और इसकी ग्राफिक्स देखो भाई, रोड का टेक्सचर देखो भाई, बिल्डिंग वगैरह देखो, गाड़ियां देखो, एकदम यार बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। एक बार भाई गेम में बारिश हो जाती है तो भाई एकदम जो नजारा है वो तो जाए, बिल्कुल रोड़े चमक जाती है, जो पानी होता है ना भाई, क्या ही तगड़ी रिफ्लेक्शन मारता है। वैसे मैंने थोड़े से मॉड्स इंस्टॉल कर रखे ग्राफिक्स को इनहेंस करने के लिए, बट भाई तुम एक बार यार ग्राफिक्स देखो, क्या ही मस्त यार नशीले ग्राफिक्स है इस गेम के। वैसे अगर ग्राफिक्स की बात करें तो यार माइनक्राफ्ट काफी ज्यादा पीछे रह जाता है, अगर हम बिल्कुल स्टॉक वाला माइनक्राफ्ट खेले। एंड जैसे ही हम शेडर्स लगाते हैं, माइनक्राफ्ट का लेवल अपने आप ही यार बढ़ जाता है, उसकी जो ग्राफिक्स है वो भी एकदम तगड़ी हो जाती है। क्वालिटी ना वो माइनक्राफ्ट में जब तक आप शेडर नहीं लगाओगे ना, जब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगी, और जैसे ही भाई शेडर्स लगाओगे एकदम बिल्कुल यार पानी चमकने लग जाता है, जैसे GTA 5 में चमकता ना, उससे भी भाई यहाँ पे ज्यादा एकदम तगड़ा वाला चमकता है। और रात के टाइम देखो भाई पूरे यार तारे तारे चमक रहे हैं, लावा वगैरह जो भी यार ग्लोइंग चीज होती है, टॉर्च वगैरह एकदम यार तगड़ी वाली शाइन मारता है, और एकदम मजा आ जाता है देख के। बट यार ये GTA 5 की ग्राफिक्स को कभी कम्पीट नहीं कर पाएगा, और वैसे करना भी नहीं चाहिए, ये गेम ऐसे ही बढ़िया लगता है। एंड माइनक्राफ्ट की हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो गाइस, इस गेम में आप कौन सा भी ब्लॉक डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, पूरा वर्ल्ड आप ही का, इस वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जा सकते हो। बना सकते हो पूरा वर्ल्ड आप ही का इस वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जा सकते हो